हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10, जहां हम लाते हैं आपके लिए टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। एप्पल के साल के सबसे बड़े इवेंट से लेकर लेटेस्ट गैजेट लॉन्चेस तक, चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ नया। एप्पल ने अपने फार आउट इवेंट में लॉन्च किए कई नए प्रोडक्ट्स। आईफोन 14 सीरीज के अंडर एप्पल ने लॉन्च किए 4 नए आईफोन्स, आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। आईफोन 14 सीरीज सैटेलाइट कनेक्टिविटी, मल्टीपल ईसिम्स, बेटर कैमरा और बिगर डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुई है। एप्पल ने अपने इवेंट में 3 एप्पल वॉच वेरिएंट्स भी लॉन्च किए हैं, एप्पल वॉच 8 सीरीज, एप्पल वॉच SE और एप्पल वॉच अल्ट्रा। वॉच अल्ट्रा अब तक की सबसे महंगी एप्पल वॉच है, स्पेशली स्पोर्ट्स और एडवेंचर लवर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसके साथ एप्पल ने सेकेंड जन एयरपॉड्स प्रो भी लॉन्च किए हैं। इसमें यूजर्स को पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और बेटर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। ट्विटर ने iOS के बाद एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक काम का फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर से ट्वीट्स को डायरेक्टली स्नैपचैट और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया जा सकेगा। इसके साथ एंड्रॉइड और iOS के लिए लिंक्डइन पर ट्वीट शेयर करने का ऑप्शन भी आ गया है। Realme ने लॉन्च किया अपना बजट स्मार्टफोन Realme C33। इसमें यूजर्स को मिलेगा यूनिसॉक T612 प्रोसेसर, 50MP मेन कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा और 6.5 इंच डिस्प्ले। साथ ही इसमें है 5000 mAh की बैटरी। कंपनी के अकॉर्डिंग स्टैंड बाई मोड पर C33 37 डेज तक चल सकता है। Redmi ने लॉन्च किए अपने 3 लेटेस्ट नए स्मार्टफोन्स, Redmi 11 Prime, Redmi 11 Prime 5G और Redmi A1। तीनों फोन्स लो टू मिड रेंज बजट में है, स्पेशली उनके लिए जो 6-7 हज़ार से 15-16 हज़ार के बीच की रेंज में फ़ोन देख रहे हैं। Prime 5G में यूजर्स को 2 स्टोरेज वेरिएंट्स भी मिलेंगे, वहीं A1 में सिर्फ एक ही स्टोरेज वेरिएंट अवेलेबल है। Asus ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2022 Asus Strix Scar 17 SE। इसमें गेमर्स को मिलेगा 17 इंच IPS LCD डिस्प्ले, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3 मिलीसेकंड्स का रिस्पांस टाइम। साथ ही इसमें है 12th जेन इंटेल कोर i9 HX प्रोसेसर, जो NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti सीरीज GPU के साथ पेयर्ड है। Huawei ने काफी समय बाद लॉन्च किए 2 नए फ्लैगशिप फोन्स, Huawei Mate 50 और Mate 50 Pro। दोनों में Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC है और दोनों ही फोन्स 5G नहीं है। कैमरा की बात करें तो दोनों में ट्रिपल रियर कैमरा है विद 50MP मेन कैम और 13MP फ्रंट कैम, लेकिन प्रो में यूजर्स को मिलेगा 64MP टेलीफोटो लेंस। इंडिया के ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल सारेगामा ने लॉन्च किया है अपना पहला कारवा मोबाइल। इसमें 2 स्क्रीन साइजेस अवेलेबल हैं, 1500 प्रीलोडेड हिंदी सॉन्ग्स हैं। इन सॉन्ग्स को चलाने के लिए इंटरनेट की भी कोई जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कारवा मोबाइल ड्यूअल सिम, FM और कैमरा जैसे फीचर्स से लैस है। Realme ने लॉन्च किए 2 नए गैजेट्स, Realme Watch 3 Pro और Buds Air 3S। Realme Watch 3 Pro में है इनबिल्ट GPS, ब्लूटूथ कॉलिंग और AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स। वहीं अगर हम Buds Air 3S की बात करें तो उसमें ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन, Dolby Atmos सपोर्ट और सुपर लो लेटेंसी जैसे फीचर्स हैं। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए Zee Business। We'll be right back.